मुजफ्फरपुर के SKJ लॉ कॉलेज में गांधी जयंती के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री LP शाही की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और LP शाही की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर निर्मला साहू ने बताया कि आज गांधी जयंती है और आज ही के दिन LP शाही जी की भी जयंती है। काफी खुशी की बात है कि आज इन दोनों महान पुरुष की जयंती मनाने का मौका मिला। इस दौरान LP शाही के किए गए कार्य को भी उन्होंने याद किया। कॉलेज की सेक्रेटरी डॉक्टर उज्ज्वला मिश्रा ने बताया कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और LP शाही का जयंती एक साथ हर वर्ष मनाया जाता है। आज हमारे बापू महात्मा गांधी जी और किसानों के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी और LP शाही जी, तीनों का आज जन्म दिवस है और हम बहुत दिनों से ये एक साथ ही मनाते आए हैं। यहाँ पर LLM की भी पढ़ाई यहाँ शुरू होने वाली है, उसके बारे में कुछ बता देते हैं। LLM की पढ़ाई अभी शुरू होने जा रही है, जिसके बारे में अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि उसके कैसे ऑर्डिनेंस के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर उसके बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद एडमिशन होगा। और हमारी कोशिश है कि हम इसको एक महीने में यहाँ क्लास शुरू कर दें LLM की। ये हमें बहुत ही मुश्किल से LLM, बहुत सालों से कोशिश करने पर नॉर्थ बिहार में LLM की पढ़ाई शुरू हुई है। लॉ में हायर एजुकेशन इसे कहते हैं और इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ हमारे हिज एक्सेलेंसी और लिकर साहब को और MLC श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को, और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सब लोग बहुत हैं, हरिंदर जी हैं, इन्होंने भी बहुत हमें मदद किया इसका सीनेट और सिंडिकेट से पास होने में। बहुत लोग लगे हैं तभी ये LLM यहाँ से मिला है, यहाँ पर सीट 40 सीट। आज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है, जो LP शाही उनका भी आज जयंती है, तो तीनों महान विभूतियों के आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग लॉ कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और LP शाही जी जो थे, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने स्किम यहाँ के लिए बहुत बड़ा काम किए। जो एक यहाँ का मेडिकल कॉलेज है वो उन्हीं की देन है, जो यहाँ पे कॉलेज शिक्षा का जो क्षेत्र है उन्हीं के प्रयास से जो ये चलाया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने का काम जो यहाँ किए सचिव डॉक्टर उज्ज्वला मिश्रा जी हैं, तो मैं इन सभी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला।